नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर मधेपुरा से। गैलहार थाना क्षेत्र के परसाही गांव में घटना के 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई करने में असमर्थ दिख रही है, जिसके कारण आपराधिक छवि के लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा। ऐसे में अपराधी घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। मामला थाना क्षेत्र के परसाही वार्ड 14 का है। बता दें कि परसाही निवासी मनोज शर्मा ने पहले झांसा देकर सुरेश शर्मा की पुत्री त्रिया देवी का 9 माह पूर्व उदाकिसुनगंज थाना क्षेत्र के नया नवतोल निवासी राजेंद्र शर्मा से शादी करवा दिए। शादी में 30,000 रुपये लोन लेकर दहेज भी दिया, लेकिन अब मोटरसाइकिल के लिए लड़की के साथ मारपीट कर रहे हैं। पीड़ित परिजनों ने बताया कि कुछ दिन के बाद जब लड़की अपने ससुराल नया नवटोल अपने पति के साथ रहने गई, तो लड़की को पता चला कि उसका पति पूर्व में 6 शादी किए हैं और वह 7वीं शादी है। लड़की को अपने पति राजेंद्र शर्मा के बारे में सब कुछ पता चला, तो उसके पति सास ससुर एवं देवर के द्वारा लड़की के साथ बार बार मारपीट करते हुए दहेज में मोटरसाइकिल मांगना शुरू कर दिए। इसके बाद लड़की जब अपने पिता के घर आई, तो गांव के ही मनोज शर्मा अपने अन्य सहभागियों एवं बिचौलियों के साथ सभी मिलकर मनोज शर्मा के यहाँ मीटिंग कर लड़की को जान से मारने की साजिश रची। आइए सुनते हैं पीड़ित पक्ष ने इस विषय पर क्या कुछ कहा। ऐसे से चिमनी पर काम करे रही सर, अत गैस एजेंसी जैसे से सर अठना हम काम करे रही, हमरा 8 बज गए करीब हम सर ओने से आवे में, ठीक है सर। हमें जे ई कांड भले 8:30 बजे घर पर ई कांड भेल थे सर। हमरा आर के कोई नहीं रही, जेंट्स के नाम में कोई नहीं रही सर। अत हमरा आर के गलिए तब जे से ओत ओने से जे ला के जे रहे दोसर कोई व्यक्ति ओकरा दुकान पर गेले सिगरेट ले के लिए, ठीक है। ओत गए तो ऊ आदमी देखल के ओकरा मार के ओत घंटाल छे, ठीक ने सर। तो ओत रुकले तो हमरा से ओने से थाना प्रभारी सर ओने से आबे रहे, ठीक है। पतरा जैसे से सर जाए रहे रेलिंग में सर, हमरा सारू के जैसे से ट्रक जे छे ना ककरे गाड़ी चलबे छे तो ओकर गाड़ी के तेल खत्म भए गेलै, तो ओतय रुकले तो कहलके कि से इसमें क्या है अनलोड है कि खाली पूछले के सर, तो कहलिए सर खाली छे गाड़ी के तेल खत्म भए गेलै, अतः जे छै से मतलब तेल जे छै से डाले छै ई जेतै सर। तो ओ ओतय जे छै देख लेलकै हमरा आरके, जब अने से परसेंट लए के जाइ रहे सर, तो हमरा आरके ओतय रहिए छै पुल्ला नुआ रुकल रहिए सर। तो ओतय रोकलके कहलकै कि से परसेंट है या तोहर छा एकरा हॉस्पिटल लैके चला अनाना के घर पर कांड भए गेलै सर। तो हम ओतय से डायरेक्ट ओकरा लैके हम चल गेलिए सर, घरों पर नहीं एलिए काम जे करके एलिए, तो वही हम डायरेक्ट चल गेलिए थाना ओतय जे छै से हॉस्पिटल गेलिए। अरे एक मिनट रुको ना, ओतय गेलिए ना तो बस जे छै से लैके गेलिए हॉस्पिटल, तो ओतय ओकरा सुई देलकै, ठीक छै, दूगो ऊ जे छै से रिफर कर देलकै जे छै से। घटना के की कारण छै? घटना के कारण ई छै मनोज के कनिया बिल्कुल विनोद शादी कर और हमरा सबके ई बात ने कोई कहलकै जे हमें से ओकर शादी भेल छै, ककरा कहलकै कि से तोहर बेटी बढ़िया सुख घर में रहता, आई दू भाई छै सब किछु सुख में रहते, एकरा पटिया के शादी करैलकै ओकरा से। हमरा आरके कोई नहि, हमर 3 गो मरद रहै गाम में, हमरा आरके गाम में खाली हमर सौस अकेले रहै घर पर, एकरा पटिया के शादी करल गेलै आ तकर बाद महीना दिन रहले हमर ननद ससुराल। बताया जाता है कि 10 मई को शाम के लगभग 7 बजे लड़की तिलिया देवी सौंस करने को गई थी गांव में ही नहर की तरफ। उसी क्रम में मनोज शर्मा गलत नियत से लड़की तिलिया देवी को जोर जबरदस्ती पकड़कर अपने घर ले गया। मनोज शर्मा ने अपने साथियों के साथ लड़की को मारा पीटा, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में लड़की को नहर के गड्ढे में फेंक दिया। इसके बाद परिजनों ने थाने में आवेदन कर प्राथमिकी दर्ज कराई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना को 13 दिन बीत गए, अभियुक्त खुलेआम गांव में घूम रहा है, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही। वहीं थाना अध्यक्ष जगदीश प्रसाद यादव का कहना है, पीड़ित परिजनों के द्वारा दिए गए आवेदन पर केस दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभियुक्त फरार चल रहा है, जिसके कारण गिरफ्तारी नहीं हो पाई।